मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन, परम सत्य की खोज और उसके साथ जुड़ा गुरु शिष्य संबंध प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। इस खोज के मेरे अपने मार्ग ने मुझे एक भगवत स्वरूप सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा दिया, जिनका सुदृढ़ जीवन युग युगांतर का आदर्श बनने के लिए ही तराशा हुआ था। वे उन महान अभिभूतियों में से एक थे जो भारत का सच्चा वैभव रहे हैं। ऐसे सिद्ध जनों ने ही हर पीढ़ी में अवतार या अवतरित होकर अपने देश को प्राचीन मिस्र एवं बेबीलोन के समान दुर्गति को प्राप्त होने से बचाया है। मुझे याद आता है मेरे शैशव काल में पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियाँ मेरे स्मृति पटल पर उभर रही थी, तथापि ये स्मृतियाँ उन घटनाओं के घटित होने के क्रम के अनुसार नहीं थी। बहुत पहले के एक जन्म की अस्पष्ट स्मृतियाँ मुझ में जागती थी, जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था। अतीत की इन झांकियों ने किसी अज्ञात कड़ी से जुड़कर मुझे भविष्य की भी झलक दिखाई। शिशु अवस्था की असहाय के अवमान माननाओं की स्मृति मुझ में अभी भी बनी हुई है। चल फिर पाने में और अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त कर पाने में असमर्थ होने के कारण मैं विक्षुब्ध रहता था। अपने शरीर की क्षमताओं का भान होते ही प्रार्थना की लहरें मेरे भीतर उठने लगती थी। मेरे व्याकुल भाव अनेक भाषाओं के शब्दों में मेरे मन में व्यक्त होते थे। विविध भाषाओं के आंतरिक संभ्रम के बीच में धीरे धीरे अपने लोगों के बंगाली शब्द सुनने का अभ्यस्त होता गया। यह थी शिशु मस्तिष्क की मन बहलाने वाली या बहलाने की सीमा, जिसे बड़े लोग केवल खिलौने और अंगूठा चूसने तक ही सीमित मानते हैं। इन मानसिक विक्षुब्धता और मेरा साथ न देने वाले शरीर के कारण कई बार मैं झल्ला कर आकुलता से रो पड़ता था। मेरी आकुलता पर परिवार में सबको होने वाला विस्मय मुझे याद है। सुखद स्मृतियाँ भी अनेक है। मेरी माँ का दुलार और तुतलाने तथा लड़खड़ा के चलने के मेरे आरंभिक अभ्यास, इन आरंभिक असफलताओं को सामान्यतः जल्दी भुला दिया जाता है, परंतु फिर भी ये आत्मविश्वास की स्वाभाविक आधारशिला या आधारशिलाएं होती है। मेरी इन सुदूरगामी स्मृतियों का होना कोई अपूर्व बात नहीं है। अनेक योगियों के विषय में ज्ञात है कि उन्होंने जन्म मृत्यु के नाटकीय अवस्था परिवर्तन में भी अपने आत्मबोध को बनाए रखा। यदि मनुष्य केवल शरीर होता तो निसंशय उसकी मृत्यु के साथ ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता, किंतु यदि युग युगांतर से सिद्ध महात्माओं ने सत्य प्रतिपादित किया है तो मानव मूलतः अशारीरिक सर्वव्यापी आत्मा है। शेषावस्था की सुस्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण तो है, किंतु ऐसी घटनाएं अति दुर्लभ भी नहीं। अनेक देशों में यात्रा करते हुए मैंने अनेक सत्यनिष्ठ स्त्री पुरुष के मुख से उनकी शेषावस्था की स्मृतियां सुनी है।
मेरा जन्म पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी के निकट स्थित गोरखपुर में 5 जनवरी 1893 ईस्वी को हुआ था। वहीं मेरे जीवन के पहले 8 वर्ष व्यतीत हुए थे। हम 8 बच्चे थे, 4 भाई और 4 बहनें। मैं मुकुंदलाल घोष भाइयों में दूसरा और माता पिता की चौथी संतान था। मेरा माता पिता बंगाली छत्री थे, दोनों ही संत प्रकृति के थे। उनके शांत एवं शालीन दाम्पत्य प्रेम में कभी कोई अनर्थक व्यवहार व्यक्त नहीं हुआ। माता पिता के बीच आपसी सामंजस्य, चारों ओर चलने वाले 8 नन्हे जीवों के कोलाहल का शांत केंद्र था। मेरे पिता श्री भगवती चरण घोष स्वभाव से दयालु, गंभीर और कभी कभी कठोर थे। उनसे अत्यंत प्यार करते हुए भी हम बच्चे उनसे आदरयुक्त दूरी बनाए रखते थे। वे असाधारण गणितज्ञ और तर्कशास्त्र वेदता थे तथा मुक्त अपनी बुद्धि से ही काम लेते थे, किंतु माँ तो स्नेह की देवी थी और हमें केवल प्रेम के द्वारा ही सिखाती थी। माँ के ध्यान के पश्चात पिताजी अपनी आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे। तब मैंने देखा कि उनकी आंखों में प्रायः मेरी माँ की आंखों की झलक दिखाई पड़ती थी। माँ के सानिध्य में हम बच्चों का बचपन में ही धर्म ग्रंथों के साथ कटु मधुर परिचय हो गया। अनुशासन की आवश्यकता पढ़ने पर माँ रामायण और महाभारत से प्रसंगोचित कहानियाँ हमें सुनाती थी। ऐसी अवसरों पर डांट और शिक्षा दोनों ही साथ साथ चलते थे। पिताजी के प्रति आदर के प्रतीक स्वरूप कार्यालय से उनके घर आने पर उनका स्वागत करने के लिए शाम में माँ हम बच्चों को कपड़े आदि पहनाकर ध्यानपूर्वक तैयार करती। पिताजी भारत की तत्कालीन बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे BNR में उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के समकक्ष पद पर कार्यरत थे। यात्रा उनके कार्य का एक हिस्सा थी। हमारा परिवार मेरे बाल्यकाल में अनेक शहरों में रहा। माँ गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। पिताजी भी इन मामले में करुणापूर्ण दृष्टिकोण रखते थे, परंतु अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे। एक बार 15 दिनों में माँ ने गरीबों को खिलाने में पिताजी की मानसिक आय से अधिक खर्च कर दी। इस पर पिताजी ने माँ से कहा, मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृपा करके अपना दान धर्म तुम उचित सीमा के अंदर करो। माँ को अपने पति की यह सोव्य उलाहना भी व्यर्थाजनक लगी। बच्चों को किसी तरह के मतभेद का कोई आभास दिए बिना माँ ने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। नमस्कार, मैं अपने मायके जा रही हूँ, प्राचीन धमकी। हम लोग चकित होकर विलाप करने लगे। उसी समय संयोगवश हमारे मामा वहाँ आ गए। उन्होंने पिताजी के कान में फुसफुसा कर धीरे से कोई परामर्श दिया। निसंशय सदियों से चला आ रहा कोई उपाय पिताजी के कुछ संदिग्धजनक स्पष्टीकरण के बाद माँ ने खुशी की सी घोड़ा गाड़ी लौटा दी। अपने माता पिता के बीच मेरे द्वारा लिखे गए एकमात्र विवाद का इस प्रकार अंत हुआ। परंतु एक विशेष संवाद मुझे याद आता है। कृपया अभी घर पर आई एक असहाय महिला को देने के लिए मुझे 10 रुपये दीजिए। माँ की मुस्कुराहट में
मनाने की अपनी एक शक्ति थी। दस इसलिए एक रुपया काफी है। पिताजी ने इसके साथ एक उचित समर्थन भी जोड़ दिया। जब मेरे पिताजी और दादा दादी की अचानक मृत्यु हो गई, तब मैंने गरीबी को पहली बार अनुभव किया। मिलो चलकर स्कूल जाने से पहले मेरा नाश्ता होता था केवल एक छोटा केला। कॉलेज पहुंचने तक मेरी अवस्था इतनी बुरी हो गई कि मेरे एक धनी न्यायाधीश से मानसिक एक रुपये की सहायता के लिए प्रार्थना की। उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि एक रुपये भी मूल्यवान होता है। उस एक रुपये के मना किए जाने की आपको कितनी कड़वी याद है। माँ के हृदय से तत्काल तर्क उभरा, क्या आप चाहते हैं कि यह महिला भी आपके द्वारा इन 10 रुपयों को मना किए जाने की वैसे ही दुखद स्मृति अपने मन में रखे जिसकी उसे तीव्र आवश्यकता है। तुम जीती पराभूत पति की सनातन भाव भांगिमा के साथ पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, यह लो 10 रुपये का नोट, उस महिला को यह मेरी शुभकामनाओं सहित दे दो। किसी भी नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का स्वभाव था। इतनी सहजता से माँ की सहानुभूति जगाने वाली उस अपरिचितता के प्रति पिताजी का रवैया उसकी स्वभावगत सत्कर्तता का एक उदाहरण था। तत्क्षण कोई बात स्वीकार कर लेने में अनिश्चय वस्तुतः सोच विचार के बात निर्णय के सिद्धांत का पालन मात्र है। मैंने सदा ही देखा कि पिताजी उचित और संतुलित निर्णय लेते थे। यदि मैं अपने अनेकानेक अनुरोधों के पक्ष में एक दो अच्छे तर्क प्रस्तुत कर देता तो वे सदा ही मेरी इच्छा पूरी कर देते, चाहे वह इच्छा छुट्टी में भ्रमण यात्रा की हो या नई मोटरसाइकिल की। अपने बच्चों के बाल्यकाल में पिताजी अनुशासन में उनके साथ दृढ़ता बरतते थे, परंतु स्वयं किसी वैरागी की तरह सरल सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। उदाहरणार्थ वे कभी थिएटर नहीं गए बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में और भगवद गीता पढ़ने में ही उन्हें आनंद आता था। उन्होंने सारे सुखों भोगों का त्याग कर दिया था, यहाँ तक कि वे जूतों की एक जोड़ी का भी तब तक प्रयोग करते थे जब तक कि वह बिल्कुल ही उपयोग न करने योग्य न हो जाए। मोटर कारें साधारण चलन में आ जाने के बाद उसके बेटों ने कारें खरीद ली, परंतु पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस जाने के लिए टाम गाड़ी की सवारी में ही संतुष्ट रहे। सत्ता का वर्चस्व प्राप्त करने के लिए धन संचय करने में पिताजी को कोई रुचि नहीं थी। कोलकाता अर्बन बैंक का गठन करने के बाद स्वयं अपने लाभ के लिए उसके शेयर रखने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी इच्छा तो अपने अतिरिक्त समय में केवल अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करने की थी। पिताजी के पेंशन लेकर सेवानिवृत्त होने के कई वर्षों बाद बंगाल नागपुर रेलवे के बही खातों की जांच करने के लिए इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट महोदय भारत आए। विस्मित जांच अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए किसी बोनस के लिए कभी कोई आवेदन नहीं दिया था। उन्होंने कंपनी को बताया, उन्होंने अकेले 3 आदमियों के बराबर काम किए हैं। पिछली क्षतिपूर्ति स्वरूप इनका 1,24,000 रुपये कंपनी से निकलता है। कंपनी के कोषाध्यक्ष ने उक्त रकम का चेक पिताजी को भेज दिया, पर मेरे पिताजी ने इस घटना को इतना
नगर ने माना कि वे परिवार को इसकी सूचना देने की भूल गए। बहुत बाद में मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने बैंक द्वारा दिए गए विवरण में इतनी बड़ी धनराशि जमा देकर पिताजी से इसके बारे में पूछा था। भौतिक लाभ में इतना उल्लासित क्यों हो? पिताजी ने कहा, संभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो वह ना तो किसी लाभ से उल्लासित होता है ना ही किसी हानि से दुखी। वह जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। अपने व्यवहारिक वैवाहिक जीवन में पदार्पण अपने व्यवहारिक जीवन में पदार्पण करने के शीघ्र बाद ही मेरे माता पिता एक महान गुरु बनारस के लाहिड़ी महाशय के शिष्य हो गए। इस संपर्क से पिताजी के पहले से ही विरक्त स्वभाव की ओर बल मिला। माँ ने एक बार मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक उल्लेखनीय बात बताई, तुम्हारे पिताजी और मैं संतान प्राप्ति के लिए वर्षों में मात्र एक बार पति पत्नी के रूप में साथ सोते हैं। पिताजी लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले थे। अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे के कर्मचारी थे। गोरखपुर में मेरे बचपन में अविनाश बाबू मुझे अनेक भारतीय संतों की मन को तल्लीन कर देने वाली कहानी सुनाया करते थे। वे सदा अपने गुरु की श्रेष्ठतम महिमा के विषय में श्रद्धापूर्वक कुछ न कुछ कहकर ही अपनी कहानी समाप्त करते थे। तुमने कभी सुना है किन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लाहिड़ी महाशय के शिष्य बने थे? गर्मियों के मौसम में एक अलसाए दिन में और अविनाश बाबू मेरे घर के आहते में बैठे थे, तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जगाने वाला एक प्रश्न मुझसे किया। मैंने आशा भरी मुस्कुराहट के साथ नाश में सिर हिलाया। तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी अर्थात तुम्हारे पिताजी से अपने गुरु का दर्शन करने बनारस जाने के लिए एक सप्ताह की छुट्टी देने की याचना की, पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी इच्छा का उपहास किया। उन्होंने कहा, क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ना हो तो अपने काम पर ध्यान दो। झाड़ियों में से गुजरती एक पगडंडी से उस दिन उदास मन लिए मैं घर जा रहा था कि पालकी पर सवार तुम्हारे पिता जी से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने पालकी और नौकरों को विदा कर दिया और मेरा साथ चलने लगा। मुझे सांत्वना देने के लिए वे संसारिक सफलता के लिए प्रयास करने के लाभ मुझे सुझाने लगे, पर मैं उनकी बातें बेमन होकर सुन रहा था। मेरा हृदय बार बार यही पुकार रहा था, लाहिड़ी महाशय, मैं आपके दर्शन के बिना जी नहीं सकता। हम लोग चले चलते चलते एक सुनसान मैदान के किनारे पहुंच गए जहां संध्याकालीन सूरज की किरणें लहराती उच्च जंगली घास पर चमक रही थी। हम लोग उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए। वहां उस मैदान में हमसे कुछ ही गज की दूरी पर मेरे महान गुरु अकस्मात प्रकट हो गए। उनका स्वर वातावरण में गूंज उठा, भगवती तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। इसके साथ ही वे जिस रहस्यमय ढंग से प्रकट हुए थे उसी रहस्यमय ढंग से अंतर ध्यान हो गए। मैं जमीन पर घुटने टेक कर लाहिड़ी महाशय पुकार रहा था। कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे पिताजी अस्तंभित हो गए। अविनाश, मैं न केवल तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ बल्कि बनारस से जाने के लिए मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूँ। तुम्हारी सहायता करने के लिए जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होने की शक्ति रखने वाले इस महान
लहाड़ी महाशय के दर्शन मुझे करने ही होंगे। मैं तुम अपनी पत्नी को भी साथ लूंगा और इस महान गुरु से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें अपने आध्यात्मिक पथ में दीक्षित करें। क्या तुम हम दोनों को उनके पास ले चलोगे? अवश्य। अपनी प्रार्थना के इस चमत्कार पूर्ण उत्तर को पाकर और घटनाओं के इतने शीघ्र अनुकूल मोड़ लेने पर मेरा मन आनंद से गदगद हो उठा था। अगले दिन शाम को तुम्हारे माता पिता और मैं रेलगाड़ी से बनारसी के लिए चल पड़े। अगले दिन हम लोग वहाँ पहुँचे तो कुछ दूर तक घोड़ा गाड़ी से गए और फिर तंग गलियों में से चलते हुए मेरे गुरु के घर पहुँचे। उनका घर आसानी से दिखाई नहीं पड़ता था। उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश करने पर वहाँ हमेशा की तरह पद्मासन में बैठे हुए गुरुदेव को हमने प्रणाम किया। उन्होंने अपनी हृदय वेदी आँखें झपकाई और उन्हें तुम्हारे पिताजी पर स्थिर कर दिया। भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। दो दिन पहले घास भरे मैदान में कहे हुए वही शब्द उन्होंने फिर से दोहराए। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को आने की अनुमति दी और साथ में तुम भी अपनी पत्नी को साथ लेकर आ गए हो। तुम्हारे माता पिता को अत्यंत आनंद हुआ कि गुरुदेव ने उन्हें क्रियायोग की दीक्षा दी। इस पवित्र दर्शन के अविस्मरणीय दिन से ही तुम्हारे पिताजी और मैं गुरु भाई के रिश्ते से घनिष्ठ मित्र बन गए हैं। लहाड़ी महाशय ने तुम्हारे जन्म में विशेष रुचि दिखाई दी। तुम्हारा जीवन निश्चित निश्चय ही स्वयं उनके जीवन के साथ जुड़ा रहेगा। गुरुदेव का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। मेरे जीवन के थोड़े ही दिन बाद लाड़ी महाशय ने इस जगत से प्रस्थान कर लिया। पिताजी का जहाँ जहाँ भी स्थानांतरण होता था वहाँ वहाँ लाड़ी महाशय की एक सुंदर अलंकृत फ्रेम में सजी हुई फोटो हमारे पूजा घर में देवताओं के चित्रों और मूर्तियों के साथ विराजमान रहती थी। लगभग रोज ही सुबह और शाम को माँ और मैं उस पूजा वेदी के सामने ध्यान लगाकर बैठते थे और चंदन सिक्त पूज्य और पुष्प अर्पण करते थे। धूप और गुगुल के साथ साथ अपनी संयुक्त भक्ति द्वारा हम इन ईश्वर रत्न की पूजा करते थे जो लहाड़ी महाशय में पूर्णतः अभिव्यक्त हुआ था। उनकी उस फोटो का मेरे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरे मन में उस महान गुरु का विचार अधिक दृढ़ होता गया। ध्यान में प्रायः मैं देखता कि उसकी छवि उस छोटे से फ्रेम से बाहर आ गई है और जीवित रूप धारण कर मेरे सामने बैठ गई है। जब मैं उनके ज्योतिर्मय शरीर के चरणों का स्पर्श करने का प्रयास करता तब वे बदल कर पुनः चित्र बन जाते। जब उन्होंने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि फ्रेम में जकड़ी लाहिड़ी महाशय की छोटी सी छवि मेरे तन में जीवित ज्ञान प्रदायिनी उपस्थिति बनकर विराजमान हो चुकी है। किसी उलझन या परीक्षा की घड़ी में मैं प्रायः उनसे प्रार्थना करता और अपने अंतर में उनका सांत्वनदायक मार्गदर्शन पाता। पहले पहले तो मुझे दुख होता था कि वे शारीरिक रूप में जीवित नहीं थे, किंतु जैसे जैसे मुझे उनकी गुप्त सर्वव्यापकता का पता चलता गया वैसे वैसे मेरा दुख कम होता गया। अपने इस शिष्यों को जो उनके दर्शन के लिए अतीत लायित करते थे या रहते थे वे प्रायः लिखा करते थे, जब मैं सदा तुम्हारे कुटस्थ दिव्य दृष्टि की पहुंच में हूँ तो मेरे अस्थि मांस को देखने के लिए आने की क्या आवश्यकता है।
लगभग 8 वर्ष की आयु में मुझे लहाड़ी बरस है कि फोटो के माध्यम से चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस अनुभव ने मेरे प्रेम को और भी अधिक उत्कृष्ट कर दिया। जब मैं बंगाल के इच्छापुर में अपने पारिवारिक घर में रह रहा था, तब मुझे हैजा हो गया। मेरे बचने की कोई आशा नहीं थी, डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मेरे बिस्तर के पास बैठी माँ ने भाव विविलता के अतिरेक के साथ मेरे सिर के ऊपर टंगी लाहड़ी मासे की फोटो की ओर देखने का मुझे इशारा किया। उन्हें मन ही मन प्रणाम करो। वे जानती थी कि प्रणाम करने के लिए हाथ उठाने की शक्ति मुझ में नहीं बची थी। यदि तुम सचमुच अपनी भक्ति प्रकट करोगे और अपने अंतर में उनका चरण स्पर्श करोगे तो तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। मैंने उनकी फोटो की ओर देखा और वहाँ आंखें चौंधियाने वाला प्रखर प्रकाश दिखाई पड़ा, जिसने मेरे शरीर और पूरे कमरे को अपने में समा लिया। मेरी मिचलाहट और अन्य अनियंत्रित लक्षण समाप्त हो गए। मैं स्वस्थ हो गया। तत्क्षण ही मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि मैं अपने गुरु में अपार श्रद्धा रखने वाली माँ का मैंने झुककर चरण स्पर्श किया। माँ बार बार उस छोटी सी फोटो पर अपना माथा टेक रही थी। मैं सर्वव्यापी गुरुदेव, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ कि आपने आपके आलोक ने मेरे पुत्र को अच्छा कर दिया। मैं समझ गया कि उन्होंने ही उस तेजोमय ज्योति का दर्शन किया था, जिनकी महिमा से मैं उस साधारणतया प्राण घातक साबित होने वाली बीमारी से एकाएक अच्छा हो गया था। मेरे पास जो कुछ भी अनमोल चीजें हैं, उनमें एक वह फोटो भी है। स्वयं लहाड़ी महाशय द्वारा पिताजी को दी गई यह फोटो एक पवित्र स्पंदन से युक्त है। इस फोटो के पीछे भी एक चमत्कारी कहानी है। मैंने एक कहानी पिताजी के गुरु भाई काली कुमार राय से सुनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लहाड़ी महाशय को अपनी फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उसके विरोध के बावजूद उनकी और उनके कई शिष्यों की, जिनमें काली कुमार राय भी शामिल थे, एक सामूहिक फोटो खींची गई। पर उस समय फोटोग्राफर के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि उस फोटो में सब शिष्यों के चित्र तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, परंतु बीच में जहां उसने लहाड़ी महाशय का चित्र होने की सार्थक आशा की थी, कोई आकृति नहीं थी। वह स्थान बिल्कुल खाली था। इस विस्मयकारी घटना पर खूब चर्चा हुई। एक शिष्य गंगाधर बाबू ने, जो एक कुशल फोटोग्राफर थे, डिंग मारी कि लहाड़ी महाशय चाहे जो कर ले, वे उनकी फोटो अवश्य खींच सकते हैं। अगले दिन प्रातः जब गुरुदेव लकड़ी की बेंच पर पद्मासन में बैठे थे और उनके पीछे कपड़े का पर्दा भी लगा दिया गया था, तब गंगाधर बाबू अपने साज सामान के साथ वहां पहुंच गए। सफलता के लिए सारी सावधानियां बरतते हुए उन्होंने उत्कंठापूर्वक 12 फोटो खींची, किंतु शीघ्र ही उन्हें दिखाई पड़ा कि हर प्लेट पर लकड़ी की बेंच और पर्दे का चित्र तो स्पष्ट है, पर गुरुदेव की आकृति का पुनः कहीं पता नहीं। गंगाधर बाबू का अभिमान चूर चूर हो गया। अश्रु बहाते हुए वे दौड़े दौड़े लहाड़ी महाशय के पास पहुंचे। कई घंटे के बाद लहाड़ी महाशय ने इस सार गर्भित वाक्य के साथ अपना मौन तोड़ा। मैं ब्रह्म हूँ, क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है? गंगाधर बाबू ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि नहीं खींच सकता, परंतु हे सर्वज्ञ गुरुदेव, आपके देह मंदिर की एक फोटो प्राप्त करने की बहुत इच्छा है। मेरी दृष्टि
संकुचित रहती है। आज तक मैं यह नहीं समझ पाया था कि आप में ब्रह्म पूर्ण रूप से वास करता है। फिर कल सुबह आओ, मैं तुम्हारे कैमरे के सामने बैठकर फोटो खिंचवा लूंगा। पुनः फोटोग्राफर ने अपना कैमरा फोकस किया। इस बार अगोचर रहस्यमयता के आवरण से रहित उस पवित्र महापुरुष की आकृति प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई। गुरुदेव ने अपने इनके बाद कभी अपनी कोई फोटो नहीं खिंचवाई, कम से कम मैंने नहीं देखा। वही फोटो इस पुस्तक में छपी है। सांचे में ढली लाड़ी महाशय की मुखारति से कुछ पता नहीं चला पाता कि वे किस कुल वंश के थे। उनकी रहस्यमय मुस्कान में ईश्वर साक्षात के आनंद की कुछ कुछ झलक दिखाई देती है। बाम्य जगत में नाम मात्र की रचित का संकेत देती उनकी अर्धोन्मी लिखित आंखें आंतरिक परमानंद का संकेत करती हुई आदि बंद भी है। इस जगत में क्षुद्र प्रलोभनों से अलिप्त हुए आध्यात्मिक सहायता के लिए अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति सतत पूर्ण जागरूक रहते थे। गुरुदेव के चित्र की महिमा से स्वास्थ्य लाभ करने के थोड़े दिन बाद ही मुझे एक प्रभावशाली दिव्य दर्शन हुआ। एक दिन प्रातः अपने बिछोने पर बैठा मैं एक महान दिवा स्वप्न में डूब गया। बंद आंखों के अंधकार के पीछे क्या है यह अनुसंधानात्मक विचार बड़े वेग से मेरे मन में उभर आया। तत्क्षण ही मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रखर प्रकाश पौंध गया। मेरे ललाट में विस्तीर्ण दीप्तिमान पट पर पर्वत गुफाओं में ध्यानस्थ बैठे संतों की आकृतियां छोटे छोटे चलचित्र की भांति प्रकट होने लगी। आप लोग कौन हैं? मैंने उच्च स्वर में पूछा। हम हिमालय के योगी हैं। इस दिव्य उत्तर का आनंद वर्णातीत था। मेरा हृदय पुलकित हो उठा। आह, मैं भी हिमालय में आकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। दृश्य अंतर्धार ध्यान धारण हो गया, परंतु रजत किरणें मंडलाकार में अनंत की ओर विस्तृत होती गई। यह अद्भुत आलोक क्या है? मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह ध्वनि बादलों की सौम्य बुदबुदाहट जैसी थी। मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूँ। यद्यपि वह ईश्वरीय आनंद क्रमशः छिन्न होता गया, पर उससे मैं ब्रह्म की अस्थाई खोज की विरासत प्राप्त करने में सफल हुआ। ईश्वर शाश्वत नित्य नवीन आनंद है। यह स्मृति मेरे हृदय पटल पर इस अनुभव के बाद लंबे समय तक बनी रही। बचपन की एक अन्य स्मृतियां असाधारण है और उल्लेखनीय भी है, क्योंकि उसका चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर है। एक दिन प्रातः समय में और मेरी बड़ी बहन उमा अपने गोरखपुर के घर के आते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। आसपास के तोतों को नीम के पके फल खाते मैं निहार रहा था, और बीच में जो समय मिलता उसमें उमा दीदी मुझे बंगाली की पहली पुस्तक पढ़ने में मदद कर रही थी। उमा दीदी ने अपने पैर पर फोड़ा होने की बात बताई और वह उस पर लगाने के लिए मरहम की एक डिबिया ले आई। मैंने उसमें से थोड़ा मरहम लेकर अपने हाथ पर लगा लिया। तुम निरोग हाथ पर मलहम क्यों लगा रहे हो? बात ऐसी है दीदी, मुझे लग रहा है कि कल मुझे यहाँ फोड़ा होने वाला है। चल झूठ कहीं का दीदी, जब तक तुम कल सुबह क्या होता है या देख नहीं लेती तब तक मुझे झूठ नहीं कह सकती। मुझे क्रोध आ गया। उमा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और उसने तीन बार अपने
व्यंग को दोहराया। एक दृढ़ निश्चय मेरी आवाज में ध्वनित होने लगा। जब मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल के साथ कहता हूँ कि कल मेरे हाथ पर इसी जगह एक काफी बड़ा फोड़ा निकल आएगा और तुम्हारा फोड़ा सूझकर दोगुना हो जाएगा। सुबह मेरे हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल गया और उमा का फोड़ा आकार में दोगुना हो गया। मेरी बहन चीखती हुई माँ के पास भागी। माँ, मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। माँ ने गंभीर होकर मुझसे कहा कि हानि करने के लिए मैं सब शक्ति का प्रयोग कभी ना करूं। मैंने माँ का यह उपदेश सदा ही याद रखा है और उसका पालन किया है। मेरे फोड़े का इलाज चीरे से हुआ। डॉक्टर के चीरे से बना चिन्ह आज भी वर्तमान है। मेरे दाहिने हाथ पर मनुष्य के शब्द की शक्ति का नित्य स्मरण दिलाता हुआ यह चिन्ह स्मारक के रूप में विद्यमान है। गहरी एकाग्रता के साथ उमा को कहे गए उस साधारण एवं प्रकटता हानि रहित प्रतीत होने वाले शब्दों में बम के सदृश विस्फोट कर निश्चित परिणाम उत्पन्न करने की पर्याप्त शक्ति निहित थी। बाद में मेरी समझ में आया कि किसी के जीव को संकट से बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार बिना चिन्ह या कष्ट रहित शल्य चिकित्सक की जा सकती है। हमारा परिवार पंजाब के लाहौर शहर में स्थानांतरित हुआ। वहाँ मैंने देवी काली के रूप में माता का एक चित्र प्राप्त किया। हमारे घर की बालकनी में इस चित्र का अनौपचारिक मंदिर बना। मेरे मन में अनायास यह निश्चित विश्वास पैदा हो गया कि उस पवित्र स्थान पर की गई मेरी किसी भी प्रार्थना को पूर्ति का ताज पहना दिया जाएगा। एक दिन वहाँ उमा के साथ खड़ा होकर मैं दो लड़कों को दो घरों की छतों पर पतंग उड़ाते देख रहा था। इन दोनों घरों और हमारे घर के बीच एक बहुत ही संकरी गली थी। तुम आज इतने चुप क्यों हो, माँ ने खेल खेल में मुझे धक्का देकर पूछा। मैं यह सोच रहा था कि कितनी अद्भुत बात है कि मैं जो भी मांगता हूँ जगन माता मुझे दे देती है। मैं समझती हूँ वह तुम्हें वे दोनों पतंग भी दे देगी। मेरी बहन उपहास की हंसी हंसते हुए बोली, क्यों नहीं, मैंने उन पतंगों को पाने के लिए मौन प्रार्थना शुरू कर दिया। भारत में धागों पर मांजा लगाकर पतंगों का खेल खेला जाता है। प्रत्येक पतंग उड़ाने वाला अपने प्रतिद्वंदी की पतंग काटने का प्रयास करता है। कटी हुई पतंग छतों के ऊपर से जाती है, तब उसे पकड़ने में बड़ा मजा आता है। उमा और मैं ऐसी बालकनी में खड़े थे, उसके ऊपर छत थी और दोनों और दीवारें भी थी, इसलिए किसी कटी पतंग का हमारे हाथ आना असंभव प्रतीत होता था, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उसका धागा छत के ऊपर ही लटकता हुआ आगे निकल जाता। गली के उस पार पतंग उड़ाने वाले ने अपना खेल शुरू किया। एक धागा कट गया, तत्क्षण ही पतंग मेरी दिशा में लपकी। अचानक हवा बंद हो जाने के कारण वह पतंग एक क्षण के लिए स्थिर हो गई और इसी बीच उसका धागा सामने वाले घर के ऊपर उगे नागफनी के एक पौधे में उलझ गया। मेरे पकड़ने के लिए एक पूरा फंदा बन गया। मैंने यह पुरस्कार उमा को सौंप दिया। यह तो केवल एक असाधारण संयोग था, न कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर। यदि वह दूसरी पतंग भी तुम्हारे पास आ जाए तो मैं मानूंगी। दीदी की काली आंखों से
उनके शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्मय प्रकट हो रहा था। मैंने तीव्र से अपनी प्रार्थना जारी रखी। उस दोनों पतंग उड़ाने वाले के जोर से झटका मारने के कारण उसका धागा भी टूट गया। हवा में चलती हुई पतंग मेरी ओर आने लगी। मेरे सहायक नागफनी के पौधे ने फिर से धागे को उलझाकर आवश्यक फंदा बना दिया ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपना यह दूसरा पुरस्कार भी माँ को भेंट दिया। सचमुच जगन्य माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती है, यह सब मेरे लिए विलक्षण है। दीदी भवित मृग सावक की भांति भाग गई।